घर बनाने और खरीदने के लिए वास्तुशास्त्र के कुछ नियमों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि इनका पालन न किया जाए तो इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। लिहाजा घर के मेन गेट से लेकर किचन, बेडरूम, बाथरूम आदि हर एक चीज वास्तु के नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। घर के मेन गेट से घर के अंदर तक के रास्ते के बीच ऐसी कई चीजें होती हैं जो अगर वास्तु के अनुसार हो तो आपको धनवान बना सकती हैं, लेकिन अगर वास्तु के विपरीत हो तो आपको घनघोर गरीबी तक भी पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा इन जगहों के रखरखाव को लेकर भी वास्तु शास्त्र में कुछ खास बातें बताई गई हैं। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल एनएन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी कूड़ा करवट ना रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। बल्कि इस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें और यहाँ पर्याप्त रोशनी भी रखें। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे पर नेम प्लेट लगाना अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी भी काले रंग की नेम प्लेट न लगाएं। कोशिश करें कि हर शनिवार को मुख्य द्वार पर एक दीपक भी लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। बेडरूम में जूते चप्पल और फालतू चीजें ना रखें। ऐसा करना जीवन में तनाव बढ़ाता है। बल्कि बेडरूम में फूलों के चित्र लगाएं। यहां लाइट म्यूजिक चलाना भी अच्छा रहेगा। किचन ऐसी जगह होना चाहिए जहां सूर्य की रोशनी जरूर आती हो। इसके अलावा किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें और चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखें। जब घर के पूजा घर में पूजा करें तो किचन में भी धूप बत्ती जरूर दिखाएं। बाथरूम के वास्तु में यदि गड़बड़ी हो तो इससे जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं। लिहाजा बाथरूम को हमेशा साफ रखें, साथ ही पानी की बर्बादी से बचें। यदि किसी नल से पानी टपके तो उसे तुरंत ठीक कराएं। ये छोटी सी गड़बड़ी बड़ी धन हानि और मान हानि का कारण बन सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।